13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। यिगित के साथ इसे सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश करूंगा मैं, समझो इस बात को। तो मैं नहीं समझूंगा भाई, नहीं समझूंगा। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने ये खेल, अब और नहीं। हलीमा, कबीले की खवातीन से किसी दूसरे इलाके में बहुत जल्द हिजरत करने की बात कर रही थी। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि सुलेमान शाह के कबीले को टुकड़े टुकड़े करके इतनी आसानी से तकसीम कर दे। तुम्हारा दो दुर्गा का सरदार बनना एजाज होगा कबीले के लिए। अगर इस मलून को सुल्तान अलाउद्दीन के पास ना लेकर गए तो कुपैक रियासत को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इस कबीले में नहीं रह सकता मैं, ये कबीला मुझ पर हराम हो गया बाबा। क्या किया है? बचपन की तरह फिर से कोई शरारत की है क्या जो इस तरह उतरे हुए चेहरे लेकर खड़े हो? हमारा भाई अर्तुरल हमें अंदर से तबाह कर देगा। कहते हैं कि लकड़ी को उसमें रहने वाली दीमक खा जाती है। ठीक कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके कबीले को खोखला कर रहा है। अर्तुरल बाबा की तरफ से सौंपी गई अमानत में खयानत कर रहा है। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा भी क्या कर दिया उसने इस बार? अर्तुरुल का मुंतखब किया गया रास्ता ठीक नहीं है वालिदा, और उसके साथ हलीमा सुल्तान भी है। उनके अजायम कबीले में निफाक का बाइस बन सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जल्द चिरगा बुलाया जाए और इस बारे में फैसला किया जाए। तो इस कबीले को तुमने लावारिस समझा है? हाँ? क्या तुम्हारी हद बतानी पड़ेगी मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? कबीले का सरदार कौन है ये बात भूल गए हो तुम? हाँ? वालिदा, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो अर्तुरुल ना सिर्फ कबीले की राहें जुदा कर देगा बल्कि बहुत सी मासूम जानें भी जाया हो सकती हैं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं अर्तुरुल को कभी माफ नहीं करूंगी। मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ये बात तुम दोनों भी याद रखना। Oh.
आइकस, वालिदा ने हमेशा अर्तुरुल का साथ दिया है, ऐसा ही होता आया है और आइंदा भी ऐसा होगा। मेरा मानना है कि कई जानें जाया हो सकती हैं, लेकिन वालिदा फिर भी अर्तुरुल के ही इंतजार में रहेंगी। इस वक्त सूरत हाल को काबू करना जरूरी है। यह कबीला हमारे मरहूम बाबा की अमानत है, इसे अर्तुरुल के जुनून और पागलपन की वजह से कुर्बान नहीं कर सकते हम। ये नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। हम ऐसा कैसे कर पाएंगे भाई? तुर्कुत यहां कबीले में क्या कर रहा है? आखिर अर्तुरुल है कहां? चलो फिर इसी से मालूम करते हैं हम। एक दफा दमीर उस्ताद तलवार बना रहे थे तो उन्होंने समझाया था मुझे कि तलवार नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से तैयार की जाती है। और यह भी कहा था कि अपना जोश और गुस्सा औजार पर नहीं बल्कि मैदान जंग में दुश्मन से इंतकाम लेते हुए उतारना चाहिए। दोस्त और दुश्मन इस वक्त तो पहचानना भी मुश्किल है भाई। दुश्मन तो अक्सर हमारी सफों में मौजूद होता है तुर्कुत, और कभी हमारे अंदर भी। हमारी ख्वाहिशात हमें बहरा कर देती हैं, अंधा कर देती हैं, ताकि हमें कुछ दिखाई और सुनाई ना दे। ये जुनून और यह हठधर्मी हमें इतना खुदगर्ज बना देते हैं कि इंसान अपने दोस्तों और प्यारों को भी अपना दुश्मन समझने लगता है। इस वक्त हम एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हो चुके हैं भाई। हम तारीकी में कहीं खो गए हैं और मजीद डूबते जा रहे हैं। दुश्मन के लिए इंतकाम की जो आग इस सीने में लगी है कि एक दिन अपने इन हाथों से उनका गला दबोचेंगे और हाथ में आने के बाद उसे जिंदा छोड़ देते हैं। आइकिस के, दिल्ली दमीर के, कोकचे खातून के, तू तकीन सरदार के कातिलों को अर्तुरुल भाई ने अपनी पनाह में रख लिया है। इस कबीले में और नहीं रह सकता मैं। अपनी राहें जुदा करने का वक्त आ गया है भाई। यकीनन अर्तुरुल से किसी मामले पर इसकी तकरार हुई है। लगता है अर्तुरुल फिर कोई नया मंसूबा बना रहा है, और उसका हर मंसूबा हमारे लिए कोई नई मुसीबत लाता है। अर्तुरुल को हर हाल में ढूंढना होगा भाई। अर्तुरुल गेकली के गार में होगा सुंगूर। जाओ उसे पेशकदमी से रोको और शहजादा यिगित को सुल्तान के हवाले करो। जब तक यहां कबीले के मामलात को संभालने की कोशिश करता हूं मैं। गार का रास्ता कहां है भाई? किराज पहाड़ के मशरिक में मौजूद है, वादी के बिल्कुल कोने में। निशानात तलाश कर लेना, पहुंच जाओगे। सुंगुर तकिन सरदार, अमीर सादेतीन ने आपको मुलाकात के लिए बुलाया है। जाकर मिलो फौरन, देखते हैं अमीर सादेतीन क्या चाहता है तुमसे। लेकिन कतन भरोसा नहीं करना उस पर। अर्तुरुल के बारे में कुछ नहीं बताना उसे। मुझे अमीर सादेतीन की कोई परवाह नहीं भाई। मुझे अगर परवाह है तो सुल्तान और शहजादा यिगित के दरमियान होने वाली जंग को रोकने की है। सुल्तान अलाउद्दीन जैसे हुक्मरान सदियों में पैदा होते हैं। सही कहा तुमने, जाओ।
सकती हूँ अलीमा सुल्तान। आ जाओ बानू जजेक, आ जाओ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? सुंगुर तकिन भाई के पास अमीर सादुद्दीन कोपैक का एक सिपाही आया था। उसने कुछ बात की और चला गया। उसके बाद सुंगुर तकिन भाई अपने घोड़े पर तेजी से कहीं रवाना हो गए। उनके चेहरे से लग रहा था कि कोई अहम मसला है। हलीमा सुल्तान, मुझे यकीन है सुंगुर तकिन भाई उसी मक्कार से मिलने गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाल निकल गई है, आप देख लेंगे इसे जरा? लोहार नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी देख लेता हूं। बहुत शुक्रिया। नई नाल लगानी होगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा नाम नहीं जानता मैं, क्या नाम है तुम्हारा? तुर्गुत नाम है मेरा। नाम तो सुना है तुम्हारा, तबरतुरुल सरदार के खास सिपाही हो ना? मंगोलों के जाने के बाद शायद तुमने ये नई मसरूफियत ढूंढ ली है। तुर्क नाम है मेरा। मेरा कबीला बाजंतीन हिजरत कर रहा है। बाजंतीन सरहद जा रहे हैं आप? जी हां, मैं यहां अपने कबीले के लिए अरबी घोड़े लेने आया था, अब वापस जा रहा हूं। अर्तुरुल सरदार मौजूद हैं क्या? उन जैसा निडर आदमी यकीनन किसी महास्परी होगा, वो कबीले में तो नहीं बैठ सकते। लेकिन तुम यहां कैसे? मैं नाल लगा दूंगा, कुछ देर बाद घोड़ा ले जाना अपना। चलो फिर ठीक है तुर्गुत सिपाही, रात यहीं रुकूंगा मैं। वापसी पर तुमसे अपना घोड़ा ले जाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया तुर्गुत सिपाही, सुबह मुलाकात होगी। कुंतूस बेटा, तुम्हें अपनी माँ और मामू की तरह कैदियों वाली जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। तुम अपने कबीले के साए में बहादुरों की तरह सर उठाकर जियोगे। इंशाल्लाह अपने खानदान के दरमियान वालिदैन के साए में अपने वतन में रहोगे। वालिदा, अगर मेरी किसी बात से आपकी दिल आजारी हुई है तो मैं आपसे माफी चाहती हूं। हमारी औलाद हमारे लिए रब की तरफ से इनाम है और अनमोल तोहफा है। बचपन बहुत मासूम होता है। कुंदूस भी
अल्लाह का तोहफा है हमारे लिए, एक नेमत है मेरे रब की। लेकिन जब कुंदूज बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारे कांधों पर भी बढ़ जाएगा जिम्मेदारियों का बोझ, और इंशाल्लाह तुम्हारे और औलाद होगी। तुम अपनी औलाद को साथ बिठाकर एक दस्तरखान पे खिलाना चाहोगी, उन्हें आपस में खुश रखने की पूरी कोशिश करोगी, उन्हें यकजा देखना चाहोगी। वालिदा। हलीमा, जब तुम्हारी औलाद बड़ी हो जाएगी और आपस में झगड़ा करेगी, तब तुम्हें मेरे अल्फाज याद आएंगे और मेरी कैफियत समझ आएगी। एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी औलाद के दरमियान मुसावात करना, समझ रही हो ना बेटी? इस नसीहत को भूलना मत कभी। अर्तुरुल, अगर अलग होना भी चाहे हमसे तो तुम्हें रोकना है उसे। ये फैसला तुरगुत ने बहुत गलत किया है बंसी। भाई का इरादा कोपेक की साजिश बेनकाब करने का है। सही कहा। चलो मान लिया कि तुरगुत भाई ने गलती की है, लेकिन हम भी कसूरवार हैं। हमने भी तो दिल से भाई के फैसले को नहीं माना। हमारे दिल में भी तो शैतान ने भाई के इस फैसले के खिलाफ वसवसे पैदा कर दिए थे। लेकिन फिर भी हम उन्हें इस तरह अकेले छोड़कर तो नहीं कहना। जब तुरगुत जा रहा था, क्या हम भाई से खफा नहीं थे कि भाई ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की? आखिर कहना क्या चाहते हो दुआन भाई? बात यह है कि पहले हमें खुद को अंदर से साफ करना है। तुरगुत भाई गुस्से में समझ नहीं पाए कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों भी कुछ कम गलत नहीं थे। क्या हम आपके पास बैठ सकते हैं भाई? भाई, क्या हम आपके पास बैठ जाएं? बैठ जाओ। तुरगुत से गलती हो गई है भाई। भाई और हम भी इसमें बराबर के शरीक हैं। वो गुस्से में अकल खो बैठा है भाई, और हम भी शैतानी वसवसे की वजह से आपके फैसले को गलत समझ बैठे थे भाई। उसे माफ कर दे भाई, ना सिर्फ उसे बल्कि हमें भी माफ कर दे। आपके फैसले पर हम भी गुस्सा थे, गलती हो गई हमसे। मैंने इब्तिदा में ही यह वाजे कर दिया था कि यह सफर बहुत दुश्वार होगा। जी याद है भाई। जी भाई, क्या तुम लोगों को नहीं बताया था कि इस सफर में तकलीफें होंगी? बिल्कुल
बिल्कुल बताया था भाई, बताया था। जंग के मैदान में तुम अपने जोरे बाजू पर ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी वही है जहां तुम वार न कर सको। क्या जंग का ये कायदा याद नहीं तुम्हें? याद है भाई, जी याद है भाई। फिर पूछता हूं मैं तुमसे, क्या तुम लोग तैयार हो इस रास्ते पर मेरे साथ चलने के लिए? शुरू में हम समझ नहीं पाए थे भाई, लेकिन अब समझ गए हैं कि हमारी मंजिल बहुत दूर है। हम आप जितने समझदार नहीं है भाई, लेकिन हम दोनों हमेशा आपके साथ हैं। जो भी रास्ता आप चुने, उस रास्ते पर आपके साथ चलने की पूरी कोशिश करेंगे, भरोसा रखें। दुर्गुत आज चला गया, एक बहादुर जंगजू की तरह अपने रास्ते पर। अल्लाह हामी व नासिर हो उसका। आमीन भाई, आमीन भाई। सुबह हम हलीमा सुल्तान को लेकर निकल जाएंगे, तैयार रहना। जैसा आपका हुक्म भाई। जी बिल्कुल भाई। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ना शहजादे की और ना ही अर्तुरुल की कोई खबर है तुम्हारे पास? मैंने ये सब कुछ रियासत के लिए किया है, सुल्तान अलाउद्दीन के लिए किया है। मैं इस मामले से खुद निमट सकता हूँ सुंगुरतकिन साहब, भरोसा रखें मुझ पर। यानी आप मेरे भाई अर्तुरुल के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे अमीर सादुद्दीन? ऐसा ही करूंगा अब मैं। मुझे ये बताइए सुंगुरतकिन साहब, अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते? हाँ, क्या हाइमा खातून ने यह नहीं कहा था कि वो अपने बेटे को खुद सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले करेंगी? यही कहा था ना उन्होंने? कहा था हाँ। और आपने मुझे यकीन दिलाया था कि आप खुद इस मामले को बखूबी हल करेंगे, और मैंने क्या आप पे एतबार नहीं किया? किया किस लिए? इसलिए कि अजीम काई कबीले के सरदारान की जबान पर मैंने आंखें बंद करके एतबार कर लिया था। मैंने अपने सिपाही आपके कबीले क्यों नहीं भेजे जानते हैं? एहतराम है मेरे दिल में उन सिपाहियों का जो मंगोलों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे। उन्हें मैं तकलीफ नहीं देना चाहता था। क्या आप ये सब नहीं जानते? हाँ जानते हैं। अगर सुल्तान अलाउद्दीन के यहां पहुंचने से पहले मैंने इस मामले पर काबू ना पाया तो क्या जवाब दूंगा? क्या हैसियत रह जाएगी मेरी? अर्तुरुल का ठिकाना जानता हूं। क्या वाकई? आपको कैसे मालूम हुआ? सब मालूम है। तो बताइए सुंगुरतकिन साहब, बताइए ताकि खत्म किया जा सके ये मामला। इस मामले को सुलझाने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन ने यह जिम्मेदारी खुद मुझे सौंपी है, और मैं इसका हल निकाल लूंगा अमीर सादुद्दीन। आप अच्छी तरह जानते हैं इसमें मेरा छोटा भाई मुलविस है, और अगर आपने उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया तो नतीजे भयानक होंगे। मुझे यकीन है आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो फिर आपको यह मामला निपटाना होगा सुंगुरतकिन साहब, वरना सल्तनत मजबूर हो जाएगी अर्तुरुल और काई कबीले पे जमीन तंग करने के लिए। आप अच्छी तरह समझ लीजिए।
तुम्हें पाने के लिए आई किस, मैंने कितना इंतजार किया। मुझे पूरा यकीन था कि तुम पल के बिछाए मेरा इंतजार कर रही होगी, इसीलिए सारी तकलीफें सारे गम मैंने बर्दाश्त किए और यह हिम्मत मुझे तुम्हारे प्यार ने दी है। मैं अंदर आ सकता हूं तुरगुत भाई? आ जाओ तुराली। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या दमीर दादा की तरह आप भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे? आओ मेरे पास बैठो। आज के बाद से तुम्हारे हवाले है ये कबीला, तुराली ख्याल रखना इसका। दमीर दादा ने भी जाने से पहले यही कहा था। सिपाही को अपनी मंजिल ढूंढनी पड़ती है। देली दमीर ने शहादत का अजीम रुतबा हासिल किया। अल्लाह से दुआ है कि हमें भी शहादत का रुतबा नसीब फरमाए। तुराली हिम्मत मत हारना। मुझे छोड़कर मत जाए भाई। क्या मैं अंदर आ सकता हूं तुरगुत? जी आइए भाई। तो जाने का इरादा कर लिया तुमने? मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। और इसका सबब अर्तुरुल है? मुझसे तुमने जो कुछ आज कहा वो सब बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ है मुझे तुरगुत। तो अर्तुरुल ने नोयान को केकली के गार में रखा है, ऐसा ही है ना? देखो तुरगुत, मेरे भाई, मेरी तुमसे दरखास्त है कि मुझे पूरा सच बता दो ताकि मैं अर्तुरुल को कोई भी गलत कदम उठाने से पहले रोक सकूं। मेरे भाई, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस कबीले में मजीद नहीं रह सकता मैं। तुम्हारे जैसे बहादुर को उसका सरदार ही बदल कर सकता है। बताओ मुझे अर्तुरुल क्या करने जा रहा है? वो यकीत और नोयान को सुल्तान अलाउद्दीन के पास ले जा रहे हैं भाई। क्या नोयान को भी? मुझसे और मत पूछिएगा भाई, क्योंकि सही और गलत क्या है मुझे इस बात का इल्म नहीं। सुल्तान अलाउद्दीन के वफादार जांबाज अर्तुरुल, सुल्तान से तुम्हारी वफादारी कायम है, हालांकि वो तुम्हारे सर की कीमत लगा चुका है। बहुत जल्द उसके सिपाही अंजाम तक पहुंचा देंगे तुम्हें। सुल्तान के सामने तुम दोनों सब कुछ सच सच उगलोगे। सही कहा तुमने अर्तुरुल, मौत का डर इंसान से बहुत कुछ करवा सकता है। मौत को ही सामने देखकर गोकचे खातून की भी जुबान बंद हो गई थी। तुरगुत सिपाही की बीवी भी शोलों में घिरने के बाद हवास खो बैठी थी, याद है मुझे अच्छी तरह। मिन्नतें कर रही थी मेरी वो, मत जलाओ मुझे, उम्मीद से हूं मैं, रहम करो मुझ पर। लेकिन मैं इन सब की तरह नहीं हूं अर्तुरुल, मौत मेरे लिए बाइस शरफ है। क्या हुआ अर्तुरुल?
खामोश क्यों हो गए? तुम समझते हो कि मैं मौत से डर जाऊंगा? पहले भी कहा था मैंने, अगर मारना चाहते हो तो मार दो मुझे, वरना मुझे जिंदा छोड़ के तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। कायम हूं मैं अपनी बात पर, तुम्हारे पूरे खानदान को मैं अपने हाथों से मौत की नींद सुलाऊंगा। देखते हैं मेरे हाथ को जख्मी करके तुम्हें भी उतना ही मजा आएगा जितना मुझे आया था। गुंदोग तो सुंगुर तक नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? अमीर सादतीन ने कारवान सराय बुलाया है उसे। अमीर सादतीन आखिर मेरे बेटे सुंगुर से चाहता क्या है? नहीं मालूम वालिदा। जब भी अमीर सादतीन सुंगुर को मुलाकात के लिए बुलाता है, अर्तुरुल और तुम आपस में लड़ने लगते हो। वो भाइयों के दरमियान नफरतें बढ़ा रहा है। क्या आंखें बंद है तुम्हारी? ठीक कहा, बिल्कुल ऐसा ही है वालिदा, लेकिन कसूरवार हमेशा आपको बाहर ही नजर आता है। हालांकि गफलत अंदरूनी है, सच्चाई को पहचानिए और देखिए अर्तुरुल क्या करता फिर रहा है। गुंदोग्दू, खैमे के मामलात खैमे तक ही रहने चाहिए। भाइयों का इख्तलाफ औताक के अंदर रहते हुए ही हल होना चाहिए, ना कि कबीले के बीचों बीच में। वालिदा दुरुस्त कह रही है भाई, आप अर्तुरुल भाई से अपने इख्तलाफात खत्म क्यों नहीं कर देते? बड़ों के बीच इस तरह नहीं बोला करते। खाना खाओ। मैं भी इस खानदान का हिस्सा हूँ भाई, सबकी तरह मुझे भी पूरा हक है अपनी बात कहने का। तो अर्तुरुल की तरह तुम भी जबान दराजी करोगे अब मुझसे? अर्तुरुल भाई से आपके क्या इख्तलाफात है मुझे नहीं पता, लेकिन गलती पर कौन है सब जानते हैं। धुंधार, बस बहुत हो गया, बस करो। धुंधार, बड़े भाई है तुम्हारे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो अर्तुरुल भाई हमारा साथ छोड़ देंगे। उम्मीद है आप उनसे सुलह कर लेंगे, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं हम सब। दुंदार, हद से आगे ना पढ़ो तो बेहतर है। गुंदोग्दू, दुंदार, बस बहुत हो गया।
मुझे इजाजत दीजिए। दुंदार, जाने से पहले एक बात बता के जाओ, क्या अर्तुरुल ने तुम्हें भी हमसे बदसन कर दिया? अर्तुरुल भाई के लिए मेरी जान भी कुर्बान है भाई, लेकिन मुझे हैरत है आप दुनियावी ख्वाहिशात के लिए कितना गिर सकते हैं। वालिदा के होते हुए आप जिरगा कैसे बुला सकते हैं? आप सरदार नहीं हो सकते। शर्मानी चाहिए तुम्हें, कितने अफसोस की बात है, सुलेमान शाह के औताक में उनके बेटे आपस में दुश्मनों की तरह लड़ रहे हैं, तो भाई आपस में साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। या तो तुम दोनों अपने इख्तलाफात खत्म करके अपने मामलात को आसानी से सुलझा लो, या फिर मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। उन्हें तलाश किए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे, इस जगह का कोना कोना छान मारो। कौन है ये सिपाही? अर्तुरुल भाई। बाकी जंगजू कहाँ है अर्तुरुल भाई के? उनका जंगजू तो मैं भी हूँ। तुम तो बहुत ही बहादुर जंगजू हो मेरे बच्चे। अच्छा ये बताओ, तुर्गुत को मैंने खेमे से निकलते हुए देखा था, अपने सामान और घोड़े के साथ कहीं जा रहा था, क्या वो अर्तुरुल भाई को छोड़कर चला गया है? वो अर्तुरुल भाई को छोड़कर नहीं जा सकते, वो वापस आ जाएंगे। तुम जाने की वजह नहीं बताना चाहते, लेकिन ये कबीला हमेशा तुम्हारा मुंतजर होगा। मैंने अर्तुरुल के सिपाहियों को कभी भी कम नहीं समझा अपनी औलाद से बेटा। मैं जानता हूं वालिदा, अगर कभी वापस आना चाहो। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा वालिदा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हामी और नासिर हो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुर्गुत मेरे भाई, तुम हमारे सबसे अजीज जाबाजों में से हो। हमने एक साथ कितनी ही जंगें लड़ी हैं, एक साथ सफर किया है, इरादा बदल दो अपना। तुर्गुत तुम्हारी जरूरत है इस कबीले को। बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन हमारा साथ यहीं तक था। मेरे अंदर अपनों का इंतकाम लेने की जो आग लगी है वो मुझे यहां नहीं रहने देगी। समझ गए होंगे? समझ गया मैं। अल्लाह हाफिज भाई। हाथ नहीं मेरे भाई, गले मिलेंगे हम।
आज तुम्हारे सबसे अजीज जांबाज का भी भरोसा उठ गया है तुमसे। दुर्गा कबीले के नए सरदार अक्चा साहब हैं। हाइमा खानम की जगह कल से मुझे सरदारी के मनसब पर फाइज होना है। हम तो हमेशा से आपको सरदार देखना चाहते थे कुंदोक दुबाई। बहुत शुक्रिया वालिदा। बात यह है कि कैसे कर सकते हो तुम ये?